श्री संजय भाटिया जी, प्रभुदयाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में लाल कोट में उपस्थित सभी दौसा जन संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए बहन और भाइयों, दौसा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए ही करता हूं, विधानसभा चुनाव में मैं आया था और विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अपना योगदान किया। यहां से श्री रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और भारी यानी 48,000 वोटों की बढ़त देकर के आपने उन्हें विजयी बनाया। आठ में से पांच विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा है और संभवतः अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम के बारे में पूरे देश के अंदर पहले से ही तय है, लोग पहले से ही मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग आश्वस्त हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं, हर ओर एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है ये अचानक नहीं है, ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्पित दिखती है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज इस साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था, उसके एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे और उनका भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है, लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वह विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा,
क्योंकि उसे मालूम है आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर स्वच्छता का बेहतर वातावरण हुआ है, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त, अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई, लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं, एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। बहनों और भाइयों, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, पीएम सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प आज भारत के अंदर हो पा रहा है। और राजस्थान में आपने अपनी सरकार बनाई है तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन होने के नाते इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, इसका लाभ राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी, एक है मोदी जी का समय, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है ना, क्या कांग्रेस ने कभी दिया है क्या, ये गरीबों को राशन दिया है क्या? देश के अंदर 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया गया। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तो बना ही है, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिल गया है और 2.5 करोड़ घरों में बिजली भी फ्री में पहुंच गई है। बहनों और भाइयों, ये गरीब कल्याण भी हो रहा है। नौजवान के लिए आजीविका है तो आम भारतीय के लिए उसकी आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या, ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। हमारा संबोधन राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, कृष्ण के बगैर कोई लीला नहीं। राजस्थान में जन्मी हुई भक्त शिरोमणि मीराबाई ने पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। भक्त कवियों की, संतों की एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर थी जिन्होंने पूरा जीवन राम और कृष्ण के लिए समर्पित किया था। हम भारतीयों में कोई ऐसा नहीं जो राम और कृष्ण के बगैर अपने जीवन की कल्पना करता हो, लेकिन बहन और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है।
एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस की, और इसने समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। अब कोई संदेह अयोध्या पे, कोई संदेह है क्या? आज जाइए नई अयोध्या का दर्शन करिए, जो व्यक्ति 10 साल पहले गया होगा आज के अयोध्या को देखेगा ना, तो उसको लग जाएगा कि धरती पे सचमुच कोई स्वर्ग है तो अयोध्या है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे, कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। कांवड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक की इनकम को बढ़ाने वाला, भारत को ग्लोबल पावर बनाने वाला, दुनिया का लीडर बनाने वाला, दुनिया को नेतृत्व करता भारत कैसे होना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए। और वह करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का हम सबके सामने है। एक बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं, और इस बदलते हुए भारत के लिए आज हम सब आए हैं। 200 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैया लाल मीना जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, और इसीलिए पूरा मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। बहनों और भाइयों, ये कठिन होता है किसी एक प्रत्याशी के लिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। गांव गांव जाए ये भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि राजस्थान में तो लोकसभा सीट बहुत दूर दूर है, बहुत फैला हुआ है, काफी विस्तृत है, 8 विधानसभा क्षेत्र का है। इसके लिए आप सभी को कन्हैया लाल मीना बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है ना? आज अप्रैल निकाल करके शेष समय प्रतिदिन 8 से 10 घरों के से भी संपर्क करके आप श्री कन्हैया लाल मीना बन करके एक एक घर में जाएंगे कि यह चुनाव देश के लिए है और देश के लिए काम करने के लिए है। यह अगर आप बोलेंगे तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि आम जनता जनार्दन फिर से मोदी जी को 3री बार देश का प्रधानमंत्री न बनाए। लोग तो तैयार है, पूरे देश के अंदर आवाज है, पूरे देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है, हर जगह बम बम हो रहा है। 17 के पहले वहां बम्बाजी होती थी, अब हर हर बम बम हो रहा है, हर व्यक्ति बोलना मोदी जी को वोट देंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर श्रमिक को उपलब्ध करवाया है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बने हुए पंच तीर्थ इसके उदाहरण है। महिला आरक्षण का विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया है,
नई संसद में पहला कोई विधेयक पारित हुआ है तो अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। 33% आरक्षण हर जाति की महिलाओं को प्राप्त होने वाला है नए परिसीमन के बाद विधानसभा लोकसभा के लिए। और बहनों और भाइयों, जो लोग यह आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वे अपने गिरेवान मर झांकें, देखें अपने गिरेवान को झांक के देखें। जब उनको अवसर मिलता है तो उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए वे जीते हैं, कार्य करते हैं। कोरोना कालखंड में हम देख चुके हैं, न कांग्रेस का पता था, न बीएसपी का पता था, न एसपी का पता था, न किसी दल का पता था। सारे लोग दल दल में बैठ करके अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई विदेश यात्रा पे चला गया था। लेकिन अकेले मोदी जी थे जिन्होंने देश के अंदर जाकर के, अलग अलग जगह जाकर के दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी अपने वैज्ञानिकों से देशवासियों को उपलब्ध करवाई। दो वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर भारतवासी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस का समय होता क्या होता, ये फ्री में राशन की बात आप कर रहे हैं, उस समय तो डकैती पड़ती थी, गरीबों के हकों पे टकैती पड़ जाती थी। और किस प्रकार का लोग व्यवहार करते थे, जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जिस जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद कभी भी शेष भारत का कानून लागू नहीं हो पाया, और जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण की सुविधा का लाभ और धारा 370 को समाप्त करने का काम किसी ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए हम सब आपके बीच में आए हैं। देश के अंदर आज एक ही आवाज चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राजस्थान भी इससे सहमत है? सहमत है ना? बस जोर से बोलिए, आप भी सहमत है ना? अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? अयोध्या एक बार जरूर जाइए दर्शन, चुनाव के बाद जाइए। आपका तो 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, और 19 के बाद चुनाव संपन्न करिए, अयोध्या दर्शन करने के लिए आइए, मुझे पहले सूचना कर देना। मैं तो पिछली बार भी आया था राम चोट में, मैंने कहा था ना अयोध्या में अब रामलला विराजमान हो रहे हैं, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अयोध्या में होली भी खेली। बहनों और भाइयों, हम सबको नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सारथी बन करके अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना होगा, जिससे हमारा वर्तमान भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल हो सके, भारत दुनिया की एक ताकत बन सके। और यह अवसर है आपके पास, 14 के पहले का भारत पहचान के लिए मोहताज था, आज दुनिया भारत का गुणगान करती है। 14 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंड में डूबा हुआ था, आज भ्रष्टाचार मुक्त की व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दमदार तरीके से की जा रही है। 14 के पहले के भारत विकास कार्यों के लिए तरसता था, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। ये जितना भी कार्य हो रहा है, 14 के पहले का भारत कांग्रेस के नेतृत्व में कहता था राम हुए ही नहीं, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया।
इसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व है, निसंदेह उनका नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आपका एक वोट कितना कीमती है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए वोट महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, घर घर जाइए, कन्हैया लाल मीना को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दीजिए, कि देश के प्रति हमारी सेवा होगी, जो देश हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पेट भरने के लिए अन्न देता है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराता है, हम सबके जीवन गुजर बसर करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है, उस देश के प्रति भी तो हमारी कोई कर्तव्य होंगे। उस कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए हम सबको चुनाव के माध्यम से अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना है, और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबको मैं एक बार फिर से यही आह्वान करूंगा, 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैयालाल मीना को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आप सभी सहमत हैं कन्हैयालाल मीना को? मोदी जी के गले में 25 मणियों मनकों का जो हार राजस्थान से जाएगा, कन्हैयालाल मीना भी उसमें एक होंगे ना, दोसा का योगदान भी होगा। सभी लोग सहमत हैं? कमल खिलाने के लिए सहमत है ना? तो दोनों हाथ लाकर मेरे साथ बोलेंगे, फिर दोनों हाथ लाकर के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए हमारे लाडले विधायक रामविलास जी मीना से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपना धन्यवाद उद्बोधन दें, श्रीमान रामविलास जी मीना विधायक लाल को। भारत माता की।